शो देश को रिलीज हुए 19 साल हो चुके हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि गायत्री जोशी एकदम अचानक से ट्रेंडिंग में कैसे आ गईं? जवाब ये है, दूर इटली से आई ये तस्वीरें। इटली के सार्डिनिया में एक बहुत भयंकर सड़क हादसा हुआ। हादसे में गायत्री जोशी की कार भी शामिल थी। क्या हुआ इस हादसे में, चलिए जानते हैं। ये इटली के एक ग्रामीण इलाके की सड़क है। यहाँ औसतन जो स्पीड अलाउड है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। तस्वीरों में एक कैंपर मिनी ट्रक जा रहा है। ट्रक की रफ्तार थोड़ी धीमी थी और लग्जरी गाड़ी थोड़ी जल्दी में थी और ट्रक से आगे निकलने की कोशिश में थी। इसी दौरान लाल रंग की फरारी आगे निकलती है। ट्रक के ठीक पीछे चल रही नीले रंग की लैम्बोर्गिनी, जिसमें गायत्री जोशी और उनके पति विकास ओबराय सवार थे, फरारी बिल्कुल दाईं ओर से ट्रक को ओवरटेक करने के लिए घुसी। तभी साथ में चल रही नीले रंग की लैम्बोर्गिनी गाड़ी से टकरा जाती है और वो भी पूरे जोर से। दोनों गाड़ियां आगे चल रहे ट्रक से टकराती हैं और टक्कर इतनी जोरदार होती है कि आगे चल रहा ट्रक कई फुट ऊपर उछलकर पलट जाता है और हाईवे के किनारे लुढ़ककर फरारी में आग लग गई। फरारी में सवार स्विस कपल की मौत हो गई। गायत्री और उसके पति विकास इस हादसे में बाल बाल बच गए बताए जाते हैं।